तो वेलकम बैक बडीज, आज के इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सब लोगों को एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि अर्निंग के मामले में मुझे कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा ही मैटर करता है दोस्तों। और मैं ऐसे ही हवा में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है मैं पहले वो एक्सपीरियंस करता हूँ, वो काम करके वो चीज़ करके बाद में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो दोस्तों, मैं पोर्टर का जो फुल डे अर्निंग होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, विद डेमो आपको दिखाऊंगा कि पिछले हफ्ते मैंने जो अर्निंग की है आपको, वो आपको पूरा मैं दिखाऊंगा कि एक दिन में आप कितना पोर्टर में कमाई कर सकते हैं, मैंने कितने ट्रिप्स लिए थे और कितना टाइम स्पेंड किया, वो सब भी चीज़ें मैं उस डेमो में दिखाने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आप कितना पैसा कमा सकते हैं पोर्टर में पूरे दिन काम करके। तो दोस्तों, अभी तक तो मैं रैपिडो एप्लीकेशन की अर्निंग के बारे में और एप्लीकेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता था, लेकिन अब से आपको पोर्टर के बारे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स और अर्निंग्स के मामले में भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डेमो। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसे कि आपको ये पोर्टर का एप्लीकेशन दिख रहा है, सिंपली मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले हफ्ते मैंने पोर्टर में ही काम किया है, तो कुछ दिन मैंने फुल टाइम किया है, कुछ दिन मैंने पार्ट टाइम किया है। तो चलिए देखते हैं कितना अर्निंग हुआ है पूरे हफ्ते का ही। तो अर्निंग देखने के लिए मैं यहाँ पे पोर्टर के सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाके अर्निंग वाला बटन क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, ये तो दिस वीक का दिखा रहा है, लास्ट वीक का देखते हैं चलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट वीक में मैंने कितना कमाया है, 1st अगस्त से लेके 7th अगस्त तक। तो ये पूरे हफ्ते का मेरा बन रहा है 5,075 रुपये, 5,075 रुपीज़, जहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया है लगभग 40 आवर्स और ट्रिप कितने लिए हैं मैंने, 32 ट्रिप्स लिए हैं। तो पहले दिन की बात करूँ दोस्तों, तो पहले दिन मैंने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अर्निंग था 491 और मैंने टाइम कितना स्पेंड किया, 5 आवर्स, और ट्रिप मैंने कितना लिया, 3। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपको कि मैंने ये 5 आवर्स मेरा इसलिए हो गया कि बीच बीच में मैं रोक देता था और मेरे को कुछ पर्सनल काम थे और पर्सनल काम करके बाद में मैं ये ट्रिप्स लिया है। तो आपको शायद इतना टाइम ना लगे, आप 1 या 1.5 घंटे में ही 3 ट्रिप आप ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पे। ये सेकेंड पे मैंने कितना कमाया है, सेकेंड में मैंने एक ही ट्रिप ली है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ही ट्रिप में मैंने 374 रुपीज़ कमाया है। तो कितना टाइम स्पेंड किया मैंने, 3 आवर्स टाइम स्पेंड किया है। तो ये उस दौरान कुछ बारिश वगैरह हो रही थी, इसलिए 3 आवर्स लगभग हो चुका। तो अब बात करते हैं दोस्तों फुल टाइम की। फुल टाइम में मैंने कितना कमाया था, फुल टाइम में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd पे मैंने नहीं काम किया दोस्तों, 0 मैंने काम ही नहीं किया 3rd पे। 4th में आपको दिखा देता हूँ फुल टाइम का। तो ये हो गया दोस्तों फुल टाइम का, मैंने टाइम स्पेंड किया है लगभग 10 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 10 घंटे में मैंने ब्रेक भी बहुत बार लिया है और कभी कभार मेरे फ्रेंड्स को भी मिलने चला गया हूँ और मेरे पर्सनल काम भी किए हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फुल डे का अर्निंग है 1,507 रुपीज़ और ट्रिप्स मैंने कितने लिए हैं, ट्रिप्स मैंने 7 ही लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिप्स ऐसे हैं 200 रुपये मिले हैं, कुछ किसी में 372 मिले हैं, किसी में 272 मिले हैं, तो 255। तो दोस्तों, ऐसी ट्रिप्स आपको मिलती रहेगी और अगर आप पूरा दिन काम करेंगे तो लगभग आपके 1,500 रुपये तो
बन ही जाएंगे। और इसमें मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल मेरा 250 रुपये का गया था उस दिन, मुझे एग्जैक्ट याद है, 250 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया था और मुझे मिले थे 1507 रुपये उस दिन के। तो आप हिसाब कर लीजिए अपने हिसाब से कि डे में आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 10 आवर्स का जो मैंने टाइम स्पेंड किया है ना, वो टाइम आपका कम भी लग सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ एक यही काम नहीं करता हूँ, मेरे दूसरे भी काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं, दूसरे अदर चीज़ होती है जो मैं करता रहता हूँ इस ट्रिप्स के ड्यूरेशन में। तो ये आपका जो मेरा 10 घंटा यहाँ पे दिखा रहा है उससे कम ही होगा, क्योंकि वो ट्रिप्स मैंने साथ ही लिए हैं दोस्तों। तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लगभग आप दिन का ऐसे समझ लो, पूरा दिन काम कर लेंगे तो 2000 भी कमा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, फ्राइडे को मैंने कितना कमाया। फ्राइडे को मैंने 8 घंटा काम किया है और 1286 रुपये मैंने अर्निंग की है, 1286 रुपीज़। और ट्रिप्स मैंने कितने लिए, 11 ट्रिप्स लिए हैं दोस्तों इस टाइम। तो ट्रिप्स मैंने ज़्यादा ले लिए थे इस ड्यूरेशन में और मुझे पैसा कम मिला है, क्योंकि ट्रिप्स बहुत ही स्मॉल थी, 5 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स की ट्रिप्स थी ये सब चीज़। तो दोस्तों पोर्टर में अगर आप चाहे तो 2000 आराम से कमा सकते हो पूरे दिन का, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे चलाओगे, कब स्टार्ट करते हो और कब फिनिश करते हो। तो ये देख लेते हैं हम सैटरडे कितना है। सैटरडे का भी 1202 रुपीज़ है, जबकि मैंने टाइम स्पेंड किया है 8 आवर्स और ट्रिप्स वापस मैंने ली है 7। तो अब आ जाते हैं संडे को। तो संडे को दोस्तों मैंने ऐसे ही मजाक में ही मैंने पोर्टर किया है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल काम कर रहा था और बीच में ये ट्रिप्स आ रही थी, तो मेरा ये अर्निंग 215 रुपये का दिखा रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये इतना भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं अपना खुद का काम कर रहा था पोर्टर में, तो मैंने ऐसे ही ट्रिप्स ले ली थी। तो दोस्तों ये था मेरा पूरे हफ्ते का अर्निंग पोर्टर में। तो आप समझ ही गए होंगे, तो मैं मजाक में मैंने इतना 5075 रुपये कमा लिए हैं। और आप चाहे तो पूरे हफ्ते में लगभग आप 10000 से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप के दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टर में आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया कि मैंने एक हफ्ते में 5000 कमा लिए थे, वो भी मजाक में दोस्तों। मैंने 3 दिन ही अच्छे से काम किया है, 4 दिन तो मैंने ऐसे मजाक में ही अर्निंग की है। तो मैंने ऐसे मजाक में ही एक हफ्ते में 5000 रुपये कमा लिए। तो आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, आप पूरे हफ्ते का आराम से 10 या 11 हज़ार कमा सकते हैं, अगर आपका फुल डेडिकेशन के साथ पोर्टर में काम करेंगे तो। और इसकी अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, आपको ट्रिप्स उतने लेने नहीं होते हैं, जबकि आपको रैपिडो में ना बहुत सारे ट्रिप लेने पड़ेंगे, बहुत सारी राइड लेनी पड़ेगी, 15 राइड 20 राइड, तो ऐसी बहुत सारी राइड्स लेनी पड़ेगी जहाँ पे आपको 1500 या तो 2000 का अर्निंग होगा। तो पोर्टर का उल्टा है, कम राइड में आप आराम से 1500-2000 कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।